नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यूनिट्स ऑफ टाइम के बारे में पढ़ेंगे। आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं भाई, डू यू नो, क्या आप इन्हें जानते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके बारे में सभी बच्चे हैं वो अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इससे में आपको क्या सबसे बढ़िया जानकारी मिलेगी, सिर्फ आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। डू यू नो, क्या आप इसे जानते हैं। तो हमने पहला, जैसे 60 सेकंड है, 60 मिनट है, 24 आवर्स है, 7 डेज हैं, 14 डेज हैं, 28 डेज हैं, 29 डेज हैं, और 30 डेज हैं, 31 डेज हैं, 365 डेज हैं, 366 डेज हैं, और 12 मंथ दे रखे हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं 60 सेकंड्स। भाई 60 सेकंड किसके अंदर होता है, 1 मिनट। कितना होता है, 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर होता है। अब यहां हमारे पास है 60 मिनट, 60 मिनट किसके अंदर होता है, 1 आवर। 1 आवर के अंदर मतलब 1 घंटे के अंदर होता है। 60 मिनट से 1 घंटा बनता है और 60 सेकंड से 1 मिनट बनती है। इसको हम बोलते हैं यूनिट्स ऑफ टाइम, यूनिट्स ऑफ टाइम। अब जैसे हमारे पास 24 आवर्स है, 24 आवर्स 1 डे मतलब 1 दिन बनता है, 1 दिन बनता है। आगे 7 डेज, 7 डेज से क्या बनता है, 7 डेज से 1 वीक मतलब 1 सप्ताह, और इसके अंदर 24 घंटे में 1 दिन बनता है, 7 दिन में 1 सप्ताह बनता है। और इसको बोलते हैं हम 14 डेज में क्या बोलेंगे हम, फोर्ट नाइट बोलते हैं जिसको, हम बोलते हैं फोर्ट नाइट। ठीक है। अब यहां जैसे हमारे पास है 28 डेज, 28 डेज किसके अंदर होता है, रेगुलर ईयर, जो साधारण वर्ष होती है उसके अंदर, फरवरी का जो महीना होता है उसके अंदर 28 मतलब 28 दिन होते हैं। और जैसे यहां हमारे पास है 29 दिन दे रखे हैं, तो ये किसके अंदर आएगा, लीप वर्ष, लीप ईयर जिसको हम बोलते हैं, लीप ईयर जिसको हम लीप वर्ष बोलते हैं। अब जैसे यहां समझने वाली बात है, यहां हमने क्यों लिखा है, जैसे 30 डेज है, 30 डेज कौन से महीने होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ फरवाते हैं, अगर जैसे यहाँ हड्डे के ऊपर आता है जैसे जनवरी, तो यहाँ हमारे उसमें 31 दिन होते हैं। यहाँ जैसे के लिए फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, तो ऐसे पढ़ेंगे। अगर जो हड्डे के ऊपर आता है उसमें 31 दिन होते हैं, जो नीचे जैसे यहाँ चला जाता है हड्डे से नीचे, तो उसमें 30 दिन होते हैं। तो जैसे हमारे पास 30 दिन किसमें होते हैं, कौन से महीने के अंदर होते हैं, तो जैसे जनवरी के अंदर 31 दिन होते हैं, फरवरी तो 28 दिन के अंदर हमारे इसके अंदर जा चुके, रेगुलर ईयर बोलते हैं जिसको हम। अब जैसे हमारे पास फरवरी के बाद आता है मार्च, मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, जैसे अप्रैल आएगा इसके अंदर AP अप्रैल, अप्रैल उसके बाद है, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद क्या आएगा, जून, जून जुलाई के अंदर, फिर अगस्त, सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, फिर लिखेंगे हम नवंबर। तो इन जो महीने हैं इनके अंदर क्या आता है, 30 दिन होते हैं, अप्रैल, फरवरी, मार्च, मार्च के अंदर क्या होते हैं, 31 दिन होते हैं, और अप्रैल के अंदर, सॉरी अप्रैल के अंदर 30 दिन होते हैं, मई के अंदर कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं, और उसके बाद जून। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे हम। अब उसके बाद है जैसे हमारे पास 31 दिन, 31 दिन किस में आता है, एक तो आता है जैसे जनवरी के अंदर, जनवरी आती है, फिर किस में आती है, मार्च, और उसके बाद मार्च के बाद मई में आती है, मई, मई के बाद जुलाई, जुलाई फिर क्या आता है, अगस्त, अगस्त में कि अगस्त आते हैं, अगस्त, और उसके बाद सितंबर, उसके बाद सितंबर
सितंबर अक्टूबर सॉरी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर अक्टूबर के अंदर ओसीटी और अक्टूबर अक्टूबर के अंदर 31 दिन होते हैं। उसके बाद होते हैं दिसंबर, तो दिसंबर के अंदर भी 31 दिन होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक जैसे हमारे पास फरवरी का महीना है उसके अंदर 28 दिन या 29 दिन लीप ईयर होता है, तो उसके अंदर ये होते हैं। उसके बाद है ये क्या है 360 डेज, इसको हम क्या बोल लेंगे, रेगुलर ईयर बोलते हैं इसको हम, रेगुलर ईयर मतलब जो साधारण वर्ष होती है उसके अंदर 365 दिन होते हैं और 366 दिन किसके अंदर होते हैं, लीप वर्ष, लीप ईयर, लीप ईयर जिसको हम बोलते हैं। और 12 मंथ में 1 ईयर, एक साल के अंदर कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल प्रेस जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक मिल सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।